आपने कभी न कभी किसी न किसी का रिटायरमेंट देखा होगा, लेकिन राजस्थान के अजमेर में सरकारी स्कूल की शिक्षिका के रिटायरमेंट जैसा न देखा होगा। जहां शिक्षिका के पति उन्हें घर ले जाने के लिए लग्जरी कार ले आए और पूरे ठाट बाट के साथ उन्हें स्कूल से विदा किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथीखेड़ा से टीचर आशा त्रिपाठी रिटायर हो रही थी। इस पल को यादगार बनाने के लिए उनके पति ने उन्हें लग्जरी कार की सवारी कराने की सोची। इसको लेकर पत्नी आशा त्रिपाठी का क्या कहना है सुनिए। लग्जरी कार में आपकी विदाई हो रही है, क्या किस तरह का? वहीं जिसने उन्हें ये तोहफा दिया यानी उनके पति सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी इस पर बात की। हमारा विचार था कि जब ये सेवानिवृत्त हो तो 35 वर्ष की सेवाओं में जो इन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे, तो इस समारोह को हम बहुत ही शानदार और यादगार बनाना चाह रहे थे। तो हमने हेलीकॉप्टर के लिए इसका प्लान किया था, तो मौसम इस समय थोड़ा ख़राब है, हेलीकॉप्टर में उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन फिर हमने विचार करा कि कोई ऐसी चीज के द्वारा किसी हम इनका सेवानिवृत्ति संपन्न करें, और फिर हमने ये प्लान करके इस गाड़ी के लिए हमने कर दिया। इसके अलावा इवेंट मैनेजर बताते हैं कि अजमेर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी शिक्षिका की विदाई एक लग्जरी कार में हो रही है। ये जो है ये 26 फीट 4 इंच की गाड़ी है, लिमोजिन कंपनी की, ये ओरिजिनल लिमोजिन गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है ये, और ये गाड़ी हम लोगों ने दिल्ली से मंगाई है। अजमेर के इतिहास में पहली बार इस तरीके से लिमोजिन गाड़ी से आज जो है वो रिटायरमेंट जो हो रहा है वो आशा त्रिपाठी जी का हो रहा है। इससे पहले अजमेर में गाड़ी आई थी परंतु वो 21 फुट की थी, इतनी बड़ी लिमोजिन गाड़ी पहली बार आई है।